2 घंटे हो चुके हैं और कस्टर्ड तैयार हो चुका है। मैं फ्रिज में से निकाल के लाई हूँ। आओ मेरे प्यारे बच्चों, नानी की किचन में आपका स्वागत है। सो मैं आज कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ। सो चलिए मैं दिखाती हूँ। कस्टर्ड बनाने के लिए हमें 1 लीटर दूध लेना है। दूध के अलावा हमें 1 कटोरी चीनी और 1/2 कटोरी कस्टर्ड पाउडर लेना है। के अलावा जो हमें फ्रूट चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1/2 कटोरी कीवी है जो मैंने काट के पीस करके बना के रखे हैं। ये अनारदाने हैं जो मैंने छील के रखे हैं। ये 1 कटोरी केला है जो मैंने काट के पीस बना के रखे हैं। ये 1 कटोरी सेब है जो मैंने काट के पीस बना के रखे हैं। ये 1 कटोरी अंगूर है जो मैंने धो के साफ करके रखे हैं। इसके अलावा जो फ्रूट आपको डालना है वो डाल सकते हैं। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम लास्ट में कस्टर्ड में डालेंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें गैस जलानी है और पैन गर्म करना है। हमारा पैन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें दूध डालूंगी, गर्म करूंगी। अब धीरे धीरे इसको चलाना है जो कि पैन में लगने जाए। ये 1/2 कटोरी मैंने कच्चा दूध निकाला है। अब मैं दिखाती हूँ इसमें कस्टर्ड पाउडर कैसे मिलाना है। अब हमें कच्चे दूध में कस्टर्ड पाउडर हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। अब हमारा दूध उबल चुका है। अब इसमें हमें चीनी मिलानी है। अब दूध को हमें जब तक चलाना है जब तक चीनी मिक्स ना हो जाए। अब हमारी चीनी घुल चुकी है दूध में। अब हमें कस्टर्ड पाउडर धीरे धीरे मिलाना है। अब मैंने कस्टर्ड पाउडर मिला दिया है। अब इसको गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। अब हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रखूंगी। उसके बाद मैं बताऊंगी अब हमें क्या करना है। अब हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैं फ्रूट्स डालूंगी। अब मैं अंगूर डाल रही हूँ। अब मैं केले डाल रही हूँ। अब मैं अनार डाल रही हूँ। अब मैं सेब डाल रही हूँ। अब मैं कीवी डाल रही हूँ। अब सारे फ्रूट्स डालने के बाद हमें अच्छे से मिलाना है। अब इसको सब मिलाने के बाद मैं बाउल में भरती हूँ।
अब मैंने इसको तैयार कर लिया है, अब मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखूंगी। दो घंटे हो चुके हैं और कस्टर्ड तैयार हो चुका है। मैं फ्रिज में से निकाल के लाई हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसा बना है। ये देखिए, ये गाढ़ा हो चुका है और अच्छा बन चुका है। अब हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है, आप भी बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा कैसे लगे। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी।